मुख्तार को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव, यूपी सरकार पर लगाए कई आरोप। जी हां, मुख्तार अंसारी की मौत पर शोक जताने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को गाजीपुर पहुंचे। वो शोक जताने के लिए फाटक स्थित सांसद अफजार अंसारी के घर पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पहुंचकर शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा कि कस्टोडियन डेट में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने जो आशंका जताई थी वो सच साबित हुई। मेरी मांग है कि जांच हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया, कहा कि केशव प्रसाद से बड़ा गुंडा कौन है। अखिलेश ने कहा कि फिर से भाजपा की सरकार आई तो अग्निवीर की तरह खाकी वालों की वर्दी 4 साल की हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। अखिलेश यादव को लेकर यह भी संभावना जताई जा रही थी कि वो मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कालीबाग कब्रिस्तान नहीं गए जहाँ मुख्तार अंसारी को दफनाया गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जेल में जो घटना हुई उस घटना के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं इस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव लोगों पर होता आ रहा है। कस्टोडियन डेट में ये सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहती है। जहां तक इस मामले का सवाल है, इस व्यक्ति ने खुद इतने वर्षों से सजा पाई और खुद कहा मेरी जान ले ली जाएगी। इस बीच अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वो सवाल खड़े करता है। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। उन्होंने वर्तमान की सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। कस्टोडियल डेथ के मामले यूपी में अन्य प्रदेशों से आगे निकलने की रेस में है। साथ ही मुख्तार अंसारी को लेकर अखिलेश यादव ने की बड़ी मांग। मुख्तार अंसारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में थे। उन्होंने खुद को जहर दिए जाने की बात कही थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जो सरकार अपने नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाती हो वो जनता की सरकार नहीं हो सकती। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में अगर जांच होगी तभी मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं हाल ही में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को लेकर भी सवाल किया गया था, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे निर्णय लिए जाना चाहिए जिससे न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा और मजबूत हो। इसके आगे अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में अगर जांच होगी तभी मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में सच्चाई सामने आ पाएगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सरकार के प्रति भावना बढ़िया हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस सरकार ने सच्चाई और भरोसे को कम करने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है कि इस मामले में सच्चाई सामने ला पाएगी। हालांकि लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ऐसे में देखना होगा क्या मुख्तार अंसारी को मिलेगा इंसाफ। इसके अलावा अगर बात करें तो अखिलेश यादव के आगमन को लेकर अफजाल अंसारी के आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। डीएम और एसपी के साथ ही पुलिस की टीम और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। अखिलेश यादव के आगमन की सूचना मिलते ही अफजाल के आवास के बाहर भारी भीड़ जुट गई। वहीं भीड़ के साथ ही मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को भी अंदर जाने से रोका गया। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।